हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनु छाबड़ा। आई होप आप सभी अपने घर पर सेफ हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि अब आप कुकिंग रेसिपीज़ क्यों नहीं अपलोड करते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आज एक अपनी फेवरेट रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आजकल बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर रहे हैं और सेफ़ भी नहीं है, इसलिए कुछ देसी एक्जॉटिक खाना घर पर बनाना तो बनता ही है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ तंदूरी सोया चाप, बट विदाउट एनी तंदूर। इससे पहले मैंने पनीर टिक्का की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, वो भी सभी को बहुत पसंद आई थी। यहाँ पर मैंने अनियन और कैप्सिकम को क्यूब्स में काट लिया है और सोया चाप को मैंने अच्छे से 20 से 25 मिनट तक बॉईल किया है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इन्हें वर्टिकली कट कर रही हूँ, इससे इन्हें कुक करने में आसानी होगी और ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। अब मैं एक तंदूरी मसाला बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच धनिया लिया है और 1 बड़ा चम्मच जीरा है, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है और 1 टीस्पून सौंफ है। इन सभी को मैं लो मीडियम फ्लेम पर भून लूँगी। 2 मिनट के बाद मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कसूरी मेथी ताकि ये जले नहीं। मसालों को हमें थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड करना है और जब तक ये मसाले ठंडे हो रहे हैं, मैं सेम कढ़ाई में ही थोड़ा सा बेसन भी लूंगी और उसे भी ड्राई रोस्ट कर लूंगी। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का इसे भूनना है। और अब यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से पीस लिया है। अब मैं एक बड़े से बोल में हंग कर्ड ले रही हूँ। ये अप्रॉक्सीमेट 1/2 kg दूध को मैंने जमाया था और उसके बाद इस दही को मैंने हंग कर लिया था। ये दही खट्टी नहीं है, नॉर्मल है। और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े चम्मच बेसन जो मैंने रोस्ट किया था और 3 बड़े चम्मच मैं तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। बाकी का मसाला भी मैं बाद में यूज़ करूँगी और इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून सॉल्ट। चाप को बॉईल करते समय भी मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया था, तो उसको आप ध्यान में रखकर यहाँ पर सीजनिंग कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है। ये क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी। अब मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच ये घर की निकली हुई मलाई है, आप चाहें तो क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून यहाँ मैं बटर भी ऐड कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब वैसे इसमें कलर की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा कलर मैं इसमें ऐड करूँगी, फूड कलर, ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा दिखे। यहाँ पर मैंने रेड ऑरेंज कलर यूज़ किया है। अब मैं इस मैरिनेशन को दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो सभी वेजेस को कोट करने में। और चाप के पीसेस को भी जब हम मैरिनेट करते हैं तो क्योंकि बॉईल कर चुकी हूँ तो वो टूटने का भी थोड़ा सा डर रहता है, इसलिए मैं अलग अलग इन दोनों को मैरिनेट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं वेजिटेबल्स को करूँगी और इसके बाद चाप को भी मैरिनेशन में ऐड कर दूंगी और धीरे धीरे हल्के हाथों से इसे अच्छे से कोट कर लूंगी।
अब मैं सभी सब्जियों को अगेन एक ही बाउल में ट्रांसफ़र करूंगी और उसके बाद इसमें कोल्ड स्मोकिंग करूंगी ताकि इसमें बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर आए, एकदम मार्केट जैसा स्मोकी फ्लेवर आए। एक मैंने छोटा सा कोल का पीस इसमें रखा है और बिल्कुल रेडी रखा है लिड को, ताकि जैसे ही इसमें स्मोक आए मैं इसको कवर कर दूं। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए या जब तक इसमें स्मोक है। इसके बाद आप इसे कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। और जो तंदूरी मसाला मेरे पास बच गया था उसमें मैं थोड़े और मसाले ऐड करूंगी, क्योंकि चाप के रेडी होने के बाद मैं इसे चाप के ऊपर स्प्रिंकल करूंगी। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ज़्यादा तीखी नहीं है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड और करूँगी, हाफ टी स्पून काला नमक, और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है, टेस्ट ऐसे ही अच्छा लग रहा है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब लगभग 1 घंटा हो गया है, मेरी चाप पकाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इसे मैं पापड़ की जाली पर बनाऊंगी। अगर आपके पास बारबेक्यू है तो आप इसे उसमें भी बना सकते हैं, अगर आपके पास क्यूअर्स हैं तो आप उसमें भी इसे बना सकते हैं। इस जाली को मैंने पहले बटर से ग्रीस किया है ताकि चाप चिपके नहीं। और अब मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ अपनी वेजेस को और सोया चाप को, इसीलिए मैंने यहाँ पर पीसीस को बड़ा रखा था ताकि पकाने में आसानी हो, और ज़्यादा छोटे पीसीस होंगे तो वो जाली में से नीचे गिर जाएंगे, और बड़े पीसीस को इजी भी होता है अलट पलट करके पकाना। पकने के बाद आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा मैसी है, इसलिए मैंने अपनी गैस को फॉइल पेपर से कवर कर लिया है ताकि कम से कम सफाई करनी पड़े। इसे मैं मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी, क्योंकि चाप ऑलरेडी कुक है, उसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो इसके ऊपर मैरिनेशन हमने कोट किया है मसाला, उसे पकाना ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा बटर भी इस पर मैं लगा रही हूँ और इसे अलट पलट कर 2-3 बार अच्छे से कुक कर लूँगी। ये देखिए आप, एक तरफ से इस पर बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। हमारे घर में तो ये सभी की बहुत फेवरेट है और आजकल तो एकदम हाई इन डिमांड है। ऐसी लगता है ये प्रोसेस, बट ट्रस्ट मी गाइस, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गाइस, मेरा फर्स्ट बैच बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। अब मैं फटाफट अपना सेकंड बैच भी बना लेती हूँ। गाइस, ये प्रोसेस देखने में जितना मैसी लग रहा है, ये खाने में उतना ही टेस्टी है। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना नहीं भूलिएगा। अब मैं इस गर्मा गर्म सोया चाप को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे पीसीज में कट कर लूँगी। आप अगर छोटे पीसीज चाहते हैं तो छोटे पीसीज में भी कट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट, आप इसे एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं थोड़े से लेमन और चाट मसाला के साथ, या फिर आप ये तंदूरी मसाला भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं और लेमन के साथ सर्व कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा देसी एक्जॉटिक पसंद है, इसलिए मैं इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी। आप टोटली ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टीस्पून मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ, तंदूरी मसाला ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं यहाँ पर घर की निकली मलाई ऐड कर रही हूँ। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इस तरह से ही चाप सर्व करना पसंद है। सो गाइस, गर्मा गर्म चाप सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं। सो गाइस, मैं चलती हूँ अब और आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।